हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू होराइजन इंटरनेशनल एकेडमी ड्राइंग क्लास। मैं हूं आपका आर्ट इंस्ट्रक्टर सागर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ड्राइंग क्लास। हमारे लास्ट टू लेक्चर्स में हमने एलिमेंट्स ऑफ ड्राइंग के लाइंस और शेप्स, इन दो एलिमेंट्स के बारे में जाना। आज हम हमारे तीसरे एलिमेंट कलर्स के बारे में जानकारी लेंगे। बेसिक कलर्स क्या होते हैं? बेसिक कलर्स रेड, येलो, ब्लू, इनको बेसिक कलर कहा जाता है। तो क्यों इन तीन कलर्स को बेसिक कलर कहा जाता है? रेड, येलो, ब्लू, ये कलर्स हमारे प्योर फॉर्म में आते हैं, जिनको दो या तीन कलर मिक्स करके बनाया नहीं जा सकता। जैसे कि रेड और येलो मिक्स करके ऑरेंज बनाया जाता है, येलो और ब्लू मिक्स करके ग्रीन बनाया जाता है। वैसे किसी भी दो कलर, तीन कलर मिक्स करके रेड, येलो या ब्लू को बनाया जा नहीं सकता, इसलिए उनको बेसिक कलर या फिर प्राइमरी कलर भी कहा जाता है। आज के वर्कशीट में हमें यहाँ पे लिखनी है डेट, यहाँ पे नेम, यहाँ पे क्लास, ऊपर आपको लिखना है बेसिक कलर्स। और जैसे कि हमने ट्रायंगल्स की प्रैक्टिस की है, तो आपको तीन ट्रायंगल्स बनाने हैं। तीन ट्रायंगल्स में आपको रेड, येलो और ब्लू कलर से फिलअप करना है। नीचे आपको कलर्स के नेम लिखने हैं, रेड, येलो, ब्लू। आज के इस लेक्चर में हम रेनबो के बारे में भी जानकारी लेंगे। रेनबो में सेवन कलर्स होते हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वॉयलेट। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट आर द कलर्स ऑफ रेनबो, तो आपको पता होना चाहिए कि रेनबो में कौन से कलर आते हैं। तो चलिए जानते हैं हम कि इसकी ऑर्डर को हमें कैसे याद रखना है। जैसे कि रेड से मैंने ले लिया आर, ऑरेंज से ले लिया ओ, येलो से वाई, ग्रीन से जी, ब्लू से बी, इंडिगो से आई और वॉयलेट से फी ले लिया। तो एक सीक्वेंस से हमें एक स्पेलिंग मिल गया, जिसे हम विबग्योर कहेंगे। अगर आपने इस स्पेलिंग को याद रखा, तो आपको रेनबो के कलर्स की ऑर्डर याद रखने में आपको हेल्प होगी। विबग्योर, हम इसे विबग्योर कह सकते हैं। V for violet, I for indigo, B for blue, G for green, Y for yellow, O for orange and R for red। तो इस वर्कशीट में हमें नीचे ये डायग्राम बनानी है। तो चलिए देखते हैं ये डायग्राम कैसे बनाते हैं। यहाँ पे पहले आपको नेम लिखना है, उसके बाद हमें स्केल की ज़रूरत पड़ने वाली है, जहाँ पे आपको एक स्लीपिंग लाइन बनानी है 7 सेंटीमीटर की, 7 सेंटीमीटर। जैसे कि आप देख सकते हो स्केल पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 सेंटीमीटर की मैंने एक लाइन बनाई है, स्लीपिंग लाइन। वैसे ही आपको एक स्टैंडिंग लाइन बनानी है, सेवन सेंटीमीटर में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। स्लीपिंग लाइन जो बनाई है आपने, हमें हर एक सेंटीमीटर पे हमें एक पॉइंट देना है, हर एक सेंटीमीटर पे आपको एक पॉइंट देना है। वैसे ही हमें स्टैंडिंग लाइन में भी हमें पॉइंट्स देने हैं हर एक सेंटीमीटर पे। इन पॉइंट्स को हमें ज्वाइन करना है।
लेकिन हमें ये ऐसे कर्व में जॉइन करना है। इसके बाद हमें कलर्स फिलअप करने हैं, वो इसी ऑर्डर में आपको करने हैं। ऊपर रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। आपका जो वर्कशीट रहेगा वो कुछ ऐसे दिखना चाहिए। आई होप आपको कलर्स के बेसिक और रेनबो के सीक्वेंस पता चल गए होंगे। Thanks for watching.